गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो यूपी स्पेशल का क्लास प्रारंभ किए हैं, इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस भाग में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित प्रमुख मंदिर आवली दर्शनीय स्थल, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में जो महत्वपूर्ण टेम्पल है, इम्पॉर्टेंट टेम्पल है और प्रमुख दर्शनीय स्थल, उनको हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित होने वाले विभिन्न परीक्षाएं, चाहे वह UPPCS हो, उत्तर प्रदेश RO ARO हो या उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जहां पर सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अथवा GIC लेक्चरर जहाँ पर सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित लोअर PCI, तो यानी या UPSI या जो भी आपके एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पर जहां सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित प्रमुख मंदिर और दर्शनीय स्थल। ओके, और जो इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, मंदिर है, जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, आपको प्रश्न यानी क्वेश्चन मिलेगा, श्योर एज सर्टेन, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आइए देखते हैं हम लोग सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एक मंदिर है, शाकंभरी देवी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आयोग द्वारा पूछा भी गया है या उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित परीक्षाओं में आया भी है, ध्यान रखिएगा। तो शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ पड़ता है? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगला है बेगम समरू निर्मित चर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह भी आपके परीक्षा के लिए, यह सरधना में पड़ता है और यह पड़ता है मेरठ डिस्ट्रिक्ट, यानी जो सरधना प्लेस है, स्थान है, वह मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बेगम समरू यानी सरधना में, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में बेगम समरू निर्मित चर्च है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग सनातन धर्म मंदिर, ध्यान रखिएगा आप लोग, सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। अगला है भीतर गांव मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भीतर गांव मंदिर कानपुर देहात में स्थित है और यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह मंदिर गुप्त काल में निर्मित है, ध्यान रखिएगा आप लोग, गुप्त काल में यह भीतर गांव के मंदिर का निर्माण हुआ है। ओके, यानी गुप्तकालीन राजाओं द्वारा करवाया गया है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है JK मंदिर, यह भी इम्पॉर्टेंट है, JK मंदिर कानपुर नगर में पड़ता है। ओके, यानी डिस्ट्रिक्ट कानपुर नगर में JK टेम्पल स्थित है, पड़ता है। अगला है वाल्मीकि आश्रम विठूर भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विठूर यानी वाल्मीकि आश्रम कहाँ पड़ता है? विठूर में, और यह भी स्थित है कानपुर नगर में, ध्यान रखिएगा। तो JK मंदिर और वाल्मीकि आश्रम यानी विठूर प्लस या दोनों कानपुर नगर में स्थित है या पड़ता है। इसके अलावा कानपुर देहात में भीतर गांव का मंदिर है और यह गुप्त काल में निर्मित किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ललितपुर जिले में स्थित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ओके, आगे बढ़ते हम लोग सूर्य मंदिर महोबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है या महोबा जिले में पड़ता है सूर्य मंदिर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है मंदिर गोला गोकर्णनाथ टेम्पल अथवा मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोला गोकर्णनाथ मंदिर यह लखीमपुर खीरी में स्थित है या लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग सीतापुर डिस्ट्रिक्ट यानी मिश्रिक जो प्लेस है यानी स्थान है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मिश्रिक, इसी मिश्रिक स्थल पर महर्षि दधीची आश्रम स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में स्थित है। अगला है
बहराइच, बहराइच जिले में सुहेल देव टेम्पल है या सुहेल देव मंदिर है। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है पाटेश्वरी देवी मंदिर। पाटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है या बलरामपुर जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा गया है कई बार। अगला टेम्पल है आर्गा पार्वती मंदिर। ओके तो आर्गा पार्वती मंदिर यह गोंडा जिले में पड़ता है या गोंडा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो यह प्रमुख मंदिर है। फिर इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला है महापरिनिर्वाण मंदिर, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। महापरिनिर्वाण मंदिर और फिर शयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा, यह दोनों कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो यानी महापरिनिर्वाण मंदिर से तात्पर्य क्या है कि कुशीनगर जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, इसी जिले में महात्मा गौतम बुद्ध, ओके महात्मा गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की या ऐसे समझ लीजिए जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है या बौद्ध धर्म की जो स्थापना किए या बौद्ध धर्म को जो जिन्होंने एस्टेब्लिश किया, तो महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, बौद्ध धर्म में जब मृत्यु को महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई कुशीनगर में तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ओके तो महापरिनिर्वाण इनको कुशीनगर में हुई या कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में होगा जो वर्तमान में पड़ता है, तो महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु यहीं हुई इसलिए बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ध्यान रखिएगा कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि महापरिनिर्वाण से तात्पर्य क्या है, तो बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो उससे संबंधित टेम्पल इस कुशीनगर जिले में बना है या स्थापित है और यहीं पर शयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। ध्यान रखिएगा यह भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा जो शयन मुद्रा में है वह कहां पर स्थित है, तो वह कुशीनगर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। और यह भी बात आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, यानी गया जो आज बिहार स्टेट में पड़ता है या बिहार राज्य में पड़ता है, तो ज्ञान की प्राप्ति तो गया में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात गया का नाम बोध गया हो गया, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो वाराणसी में यानी वाराणसी के सारनाथ प्लेस पर यानी स्थान पर आकर के दिया। तो सारनाथ में महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, अपना पहला उपदेश से तात्पर्य है अपने धर्म का, बौद्ध धर्म से संबंधित उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर है, महात्मा गौतम बुद्ध को यहीं पर परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई या महापरिनिर्वाण हुआ और फिर यहीं पर शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं गोरखनाथ मंदिर, यह गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में या जिले में पड़ता है। अगला है देवरिया डिस्ट्रिक्ट में बाबा शोभनाथ जी का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा कि शोभनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह देवरिया डिस्ट्रिक्ट में या जिले में पड़ता है, ध्यान रखिएगा स्थित है, या यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो सोमनाथ का मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया डिस्ट्रिक्ट यानी जिले में स्थित है। आगे हम लोग देख लेते हैं भृगु मुनि मंदिर व भृगु मुनि ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के याद में वहां पर मेला भी लगता है जिसे दादरी मेले के नाम से जाना जाता है, अथवा सामान्य शब्दों में ददरी मेला बोलते हैं। ओके आगे हम लोग बढ़ते हैं भारत माता मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत माता मंदिर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वाराणसी जिले में पड़ता है। विश्वनाथ मंदिर यह भी वाराणसी जिले में स्थित है। संकट मोचन मंदिर यह भी वाराणसी जिले में स्थित है। इसके बाद सारंगनाथ मंदिर यह भी वाराणसी जिले में पड़ता है, ध्यान रखिएगा यह प्रमुख जो मंदिर है वाराणसी जिले में या वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, भारत माता मंदिर
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर और सारंगनाथ मंदिर, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत माता मंदिर कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हम लोग मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ। मिर्जापुर जिले में हम लोग देखते हैं कि भरतहरी मंदिर है, राजा भरतहरी थे तो उनका मंदिर यहाँ पर है, मिर्जापुर जिले में पड़ता है और यहीं पर विंध्यवासिनी देवी मंदिर भी है, ओके। तो यह मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है विंध्यवासिनी देवी मंदिर और भरतहरी मंदिर, ओके। आगे बढ़ते हम लोग प्रयागराज जिले में आते हैं, जो प्राचीन इलाहाबाद नाम था, ओके। तो प्रयागराज जिले में यहाँ पर प्राचीन तीन शक्तिपीठ है स्थित है, ध्यान रखिएगा प्रयागराज में प्राचीन तीन शक्तिपीठ स्थित है, इम्पॉर्टेंट है। और फिर वेड़ी माधव मंदिर यानी वेड़ी माधव टेम्पल भी यहीं पर स्थित है। अगला है पाताल मंदिर, यहीं पर प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। तो यह महत्वपूर्ण मंदिर, प्राचीन तीन शक्तिपीठ वेड़ी माधव मंदिर और पाताल मंदिर, यह प्रयागराज में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलते हैं। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में दिगंबर जैन मंदिर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, दिगंबर जैन मंदिर यहीं पर स्थित है। इसके बाद लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में चंद्रिका देवी मंदिर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चंद्रिका देवी मंदिर स्थित है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अयोध्या की तरफ। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट यानी अयोध्या, ओके देखते हैं हम लोग। फैजाबाद जिले में पड़ता है अयोध्या, यहाँ पर भगवान राम जन्मभूमि मंदिर निर्मित भी है, निर्माण कार्य चल रहा है। अगला है कनक भवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कनक भवन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, एग्जाम में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कनक भवन कहाँ स्थित है। इसके अलावा अयोध्या में ही पांच जैन तीर्थंकर, ध्यान रखिएगा फिफ्थ जैन तीर्थंकर जो है उनके से रिलेट है या उनकी जन्मभूमि, उनका जन्मभूमि भी माना जाता है, ओके। तो उन पांच जैन तीर्थंकर जो अयोध्या से रिलेट हैं या संबंधित हैं या अयोध्या उनकी जन्मभूमि मानी जाती है, वह है आदिनाथ, ओके, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। ध्यान रखिएगा कई बार यह मैच करने में पूछ भी दिया है और ऐसे भी क्वेश्चन में ऑप्शन पूछ दिया है कि अयोध्या में किनका किनका जन्म हुआ था या किनका जन्म नहीं हुआ था। तो आप देखेंगे तीन नाम आदिनाथ, अजितनाथ और अभिनंदन नाथ दे दिया और एक अलग तीर्थंकर का नाम दे दिया और वही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन या किनका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था, ओके। तो यह पांचों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि पांच जैन तीर्थंकर अयोध्या से रिलेट हैं, आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस प्रकार भगवान राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन, पांच जैन तीर्थंकर इस अयोध्या से रिलेट है जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में या जिले में पड़ता है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग मथुरा डिस्ट्रिक्ट यानी मथुरा जिले से संबंधित, वह भी वृंदावन प्लेस या स्थान है। यहाँ पर गोविंद देव टेम्पल है यानी मंदिर है, गोविंद देव मंदिर। अगला है रंगनाथ मंदिर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है शाहजी मंदिर, रंगनाथ मंदिर UPPCS में पूछा जा चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो रंगनाथ मंदिर, शाहजी मंदिर, हरिदेव मंदिर और लाडली जी मंदिर, यह मथुरा जिले में स्थित है या पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। यह था उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट या आप कह लीजिए महत्वपूर्ण मंदिर और दार्शनिक स्थल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। आप लोग इसको अच्छे से अवश्य देख लीजिएगा, यूपी स्पेशल का जो अन्य भाग है, पार्ट है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और हमारे चैनल Exam 21 को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिएगा आप लोग, जिससे जो क्लास है अथवा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और कोई क्वेश्चन भी होगा आप लोगों का
तो इस कांटेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप नंबर भी है 7618025304, आप संपर्क भी कर सकते हैं कॉल के द्वारा अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न का यानी क्वेश्चंस का आंसर जान सकते हैं। ओके, फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।